एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो देखिए, आज मैंने कबाड़े में से कुछ इसे निकाला है जो कि 2-3 साल से ऑलरेडी पड़ा हुआ था। 2-3 साल पहले ही ख़राब हो चुका था, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज मैं इसको उठाकर लाई हूँ और आज मैं इसका रीयूज़ एंड रिसाइकल दोनों करूँगी, क्योंकि आज मैं इससे एक नहीं बल्कि 3 या 4 तरीके के ऑर्गेनाइज़र बनाकर आपको दिखाऊंगी। और फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं इसमें किस तरीके का ऑर्गेनाइज़र अपने पास मतलब कंटिन्यू बनाकर रखूं। तो चलिए, सबसे पहले तो इसका जो भी इसके पार्ट्स हैं उनको मैं अलग कर लेती हूं। पहले थोड़ा सा गंदा बहुत हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा क्लीन कर लिया है ऊपर से ही। अभी अंदर से इसकी कोई क्लीनिंग नहीं की है, बस इसका वायर वगैरह काट दिया है। और अभी इन क्लिप्स की भी जो कीज़ लगी हैं, इनकी बटन है, उनका भी मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं इनको भी कट कर दूंगी और बस इसके बाद इसको फ्री कर लूंगी। और देखिए, यहाँ पर मैंने कट कर ली हैं। थोड़ी मेहनत लगी मुझे काटने में और बाकी का मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो बस इसकी सारी बटन वगैरह को भी कट करके अच्छे से कर लिया है, क्योंकि मुझे जो ऊपर का सरफेस चाहिए वो बिल्कुल क्लीन चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी तो उसके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाली हूँ, तो बेसिकली अभी मैं सिर्फ इस पर एक अपनी पुरानी चादर लगा दूँगी। आप चादर या टॉवल वगैरह जो भी आपके पास हो, आप उसको मतलब इससे कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप देना चाहती हूँ कि हर किसी के पास कोई कूलर तो मतलब इस तरीके का होगा नहीं ना कि हाँ मतलब कबाड़ में पड़ा ही हो। तो आप इसकी जगह जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं, मतलब डिब्बे वगैरह आते हैं, आप वो यूज़ कर लीजिए। जिनमें डालडा वगैरह आता है वो यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। जो टीन आती है ऑयल, रिफाइंड ऑयल की बड़ी वाली जो 15 से 25 लीटर की आती है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसको रिप्लेस करने के लिए। और आप स्टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप इस कूलर के मतलब अगर आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं तो इन तरीक़ों से आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि हर किसी के पास कबाड़ में कूलर ही पड़ा हो, तो कुछ मतलब इन चीज़ों से भी आप बना सकते हैं इस तरीके से कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने चादर को मतलब अभी फ़िक्स नहीं किया है, वैसे मैं सिलाई कर सकती थी क्योंकि मुझे इस पर अभी आपको और भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखानी है, इसलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मली पिन और टेप का यूज़ किया है। और अगर मैं इसको परमानेंट रखूँगी तो फिर मैं इस पर सिलाई करूँगी, क्योंकि परफेक्शन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप इस तरीके का कोई भी प्लेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डेकोरेट आइटम्स के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको प्लेटर ही यूज़ करना होगा, या कार्डबोर्ड का कोई भी क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बेसिकली मैं करने के लिए, जब हमारी चादर फ्री है तो उसके पिलो कवर भी फ्री होंगे, तो मैं इस तरीके से प्लेटर को इसमें मतलब कर दिया है। तो आप इस तरीके से भी इसको अरेंज कर सकते हैं अगर आप कोई भी डेकोरेट आइटम रखना चाहते हैं तो, क्योंकि इस पर अच्छे से टिका रहेगा, वो अपनी पोजीशन में ही बना रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी प्लेटर या कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं आप उसके ऊपर रखने के लिए, जिससे कि उसका सरफेस एकदम फ्लैट हो जाए। और अगर आप इसको बैठने के लिए चेयर या मतलब स्टूल वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मेरे पास फॉर्म का ये छोटा सा कुशन कवर पड़ा था, ये मेरी ड्रेसिंग का है जो कि यूज़ होता ही नहीं है कभी, ऐसे ही पड़ा है, तो मैं इसका यूज़ इसमें कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने जो दूसरा पिलो था उसका यूज़ उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब जो भी मुझे लास्ट में अच्छा लगेगा तो मैं उस तरीके का ही ऑर्गेनाइज़र रखूँगी, नहीं तो मैं दोनों तरीके का भी रख सकती हूँ, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस चेंज ही करना है फटाफट से। मैं आपको दिखा भी दूँगी कि किस तरीके से फटाफट से। देखिए, यहाँ पर ये है, तो मैंने यहाँ पर अभी कुशन कवर को रखा है। तो आप इसको मतलब एज अ चेयर, स्टूल वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा खासा वेट ले लेता है। आप इस पर नॉर्मली, मैं यहाँ पर आपको बैठ कर भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी आप मतलब ये ऐसा नहीं है कि टूट उठ जाएगा, काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हम कोई भी बनाते हैं तो काफ़ी मजबूत ही यूज़ होती है। और देखिए इसको यूज़ करना कितना अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप उसको कुशन कवर जो हमने लगा रखा था उसको हटाकर मैंने प्लेटर को रख दिया है यहाँ पर। और अब आप चाहें तो इस पर अपना कोई भी डेकोरेट आइटम्स इस तरीके से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर फ्लावर पॉट को यूज़ किया है, और आप चाहें तो कोई भी आइटम अपना जो भी है आपके डेकोरेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइज़र, आप उसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस आप इसका लुक भी देख सकते हैं कितना अमेजिंग आ रहा है। और बस इस तरीके से ही आपको इसको तैयार करना है अगर आप करना चाहते हैं। तो चलिए सेकंड आइडिया करते हैं। तो सेकंड आइडिया के लिए मुझे ये सब कुछ खोलना ओलना होगा, ये सारी चीज़ों को हटाना होगा, जिसमें मुझे बहुत थोड़ी मेहनत लगने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से जो इनके ये नट्स वगैरह लगे हुए हैं इनको ओपन करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम पुराना 2-3 साल से पड़ा हुआ है, और इससे 2 साल पहले से ये यूज़ हो रहा था, तो ऑब्वियसली इसको 4-5 ईयर हो चुके हैं।
हाँ समथिंग, तो इसमें जंग वगैरह भी लग गई है क्योंकि यूज़ नहीं हुआ तो जंग लग गई है। तो ये जो मैंने ऊपर के तो चलो खोल लिए, पर ये अंदर जो ये किट वगैरह लगी हुई है इसको जब मैंने खोलने गई, इसके नट्स बहुत टाइट थे तो वो मुझसे नहीं खोल रहे थे, फिर मैंने मतलब हेल्प लेके और फिर बाद में ही इसको खोला। तो फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से ही आपको करना है। तो ये मुझसे तो हो ही नहीं रहा था, खुल नहीं रहे थे, फिर मैंने बाद में अपने हस्बैंड की हेल्प से इसको ओपन किया। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा कबाड़ा निकला है और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लिया है अंदर से, एक मतलब कोई भी वायर वगैरह कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ हटा दिया है और ये इतना सारा इसके अंदर कबाड़ निकला है जो कि बहुत यूज का सामान है। मैं इसको सबको रख लूँगी, थ्रो नहीं करूँगी क्योंकि मैं इनसे भी बहुत कुछ बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, क्लीन कर लिया। पहले मैं सोच रही थी कि इस पर पेंट वगैरह करके इसको यूज़ करूँ, बट मुझे ये जब मैंने इसको वॉश किया तो ये वाइट कलर इतना खिलकर आ रहा था, तो फिर मेरा इसको चेंज करने का मन ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा चलो इसको एज इट इज इसी कलर में ही रहने देते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका यूज़ क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं इसका यूज़ करूँगी, मतलब एक ऑर्गेनाइजर, डेकोरेशन ऑर्गेनाइजर की तरह। तो कैसे करेंगे चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से ये बना हुआ है, तो इस जो नीचे का बेस है इसको आप स्टोरेज में ही हम यूज़ करेंगे कि इसमें हम अपना सामान वगैरह अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। काफ़ी सारा सामान इसके अंदर आ सकता है अगर आप स्टोर के हिसाब से इसको अलमीरा वगैरह में रख देंगे, तो आप इसमें बहुत सारा सामान अपना रख सकते हैं। बट मैं आज इसको डेकोरेशन आइटम के हिसाब से ही बना रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं हर चीज़ को दिखाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, बट आई नो कि आप लोग मेरे कहने से ही समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आप ऊपर के लिए, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर रखने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड का यूज़ करूँगी, कुछ इस तरीके का कार्डबोर्ड है जो कि मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ इसको एक बार। तो इस तरीके का कार्डबोर्ड आप यूज़ कर सकते हैं इस पर रखने के लिए, काफ़ी थिक होता है, मज़बूत होता है, अच्छा खासा 2-3 kg का वेट ले लेता है ये। तो ये यहाँ पर आप इसको इस तरीके से अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से, अब मेरे पास कोई वाइट शीट थी नहीं इस टाइम, तो मैं इसी पेपर जो प्रिंटेड पेपर होते हैं उनको उल्टा करके आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी इस पर, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे और भी ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखाने हैं, तो मैं कोई भी काम अभी परमानेंटली नहीं करूँगी, बट अगर मुझे परमानेंटली करना होता तो मैं यहाँ पर वाइट चार्ट पेपर जो भी होता उसको लेकर और इसको टेपिंग वगैरह करके अच्छे से सिक्योर कर लेती जिससे कि इसके जो भी एजेस हैं वो बाहर ना निकले। तो ऐसे ही मैं अपना प्लेटर भी तैयार करूँगी। यस देखिए आप प्रिंटेड पेपर है लेकिन मुझे प्रिंटेड नहीं चाहिए, मुझे वाइट तरफ से ही चाहिए, तो मैं इसको उल्टा करके इसको कवर कर लूँगी। कुछ इस तरीके से मैंने इसमें जुगाड़ वगैरह किए हैं और जो कि ये सारा सामान घर पे ही पड़ा हुआ था तो मुझे कुछ भी बाहर से मतलब परचेस ही नहीं करना पड़ा और ये भी मेरा कुछ वेस्ट नहीं हुआ है। मैंने इसमें अभी टेपिंग वगैरह नहीं की है, तो अगर मैं इसे जो भी मुझे ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगेगा उसी को रखूँगी तभी मैं उसको फिक्स कर दूँगी उसकी जगह पर ही। तो देखिए नीचे वाले पर मैंने कार्डबोर्ड रखा है और ऊपर मैंने प्लेटर रख दिया, तो आप इसका लुक देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं इसको आप स्टोरेज आइटम बना सकते हैं, कोई भी अपना स्टोर का सामान वगैरह, बुक्स वगैरह बच्चे की यहाँ पर कुछ भी आप रख सकते हैं। मतलब बेसिकली ये खाली थोड़ा सा मैंने रखा है, तो इसको आप स्लाइड के मतलब स्लाइडर की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं थोड़ा सा इसको आगे से डेकोरेट भी करूँगी और किस तरीके से करती हूँ बहुत सिंपल से तरीके, जो इसमें चीज़ें बनी हुई थी मैंने उसी को बेसिकली यूज़ किया है, कोई भी अपनी तरफ से इस एफर्ट्स नहीं डाले हैं इसमें, जो बेसिकली जो चीज़ें बनी हुई हैं मैंने उन्हीं को ही यूज़ किया है। जैसे कि आप इसमें होल देख रहे हैं छोटे वाले, तो इनमें मैंने कुछ, मेरे पास फ्लावर्स पड़े हुए थे छोटे छोटे से, तो मैंने उसको यहाँ आगे इंसर्ट कर दिया है, थोड़ा सा अच्छा सा डेकोरेशन लगे इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और बस सिंपल सा इसको किया है, अंदर मेरा एक फ्रेम पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा नहीं रखा हुआ था, तो मैंने उसको यहाँ पर रखा हुआ है और ऊपर कुछ फ्लावर्स मैंने रख दिए हैं और लाइटिंग वगैरह थोड़ी कर दी है। तो बस इस तरीके से मैंने इसको सिंपली डेकोरेट किया है और इसको मैंने अपने सोफे के पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर अरेंज करके रख दिया है। तो आप इसका लुक भी देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है, अभी से देखने में ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हाँ ये कोई कूलर वगैरह का बना हुआ है। अगर आपको इसका लुक कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं इसको कौन से ऑर्गेनाइज़र में रखूं आप ये भी मुझे बताइएगा। तो जल्दी से अगर आपको ये पसंद आया तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम अपने नेक्स्ट आइडिया को आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब तीसरा ऑर्गेनाइज़र मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर तीसरा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने सारा सब कुछ क्लीन कर दिया है और यहाँ पर अब मैंने कुछ मेरे पास जो फूड कंटेनर होते हैं उनके कैप पड़े हुए थे, तो मैंने कहा बेसिकली यहाँ पर अपना मतलब प्लेट होल्डर बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो बस सिंपल सा मैंने यहाँ पर पहले मेज़र ले लिया कितने में इसका मतलब इसको टच कर रहा है, बस उसी जगह पर थोड़ा सा ग्लू लगाया
और बस इस तरीके से इसको चिपका दिया। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 से 3 प्लेटें यूज़ करूँगी, उसी में इसमें बहुत सारी प्लेट आ जाएंगी। अभी मैं आपको मतलब रख के भी दिखाऊंगी, सो प्लीज़ वीडियो को मैं कंटिन्यू बने रहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने प्लेट्स को यूज़ कर लिया है, कुछ इस तरीके से बनाया है। और अब आपको मैं इसको किचन में लेकर चलती हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए किचन ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, तो मैं इसको किचन में लेकर ही चलती हूँ। तो ये कि देखिए मैंने किचन में लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ ग्लासेस ऐसे होते ही हैं जो वेस्ट होते हैं, इनका यूज़ हम नहीं करते, मतलब वेस्ट तो नहीं पर हम यूज़ नहीं करते, रखे होते हैं। तो आप उसको इस तरीके से इसमें होल में मैंने डाल दिया है। और बस इस तरीके से मेरे जो स्पून्स फॉक वगैरह स्पैचुलास वगैरह थे उनको भी मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि जो मेरा स्पून होल्डर था वो उसके अंदर आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको ग्लास से रिप्लेस कर दिया। और दूसरे वाले ग्लास में मैंने अपने जो कि नाइफ़ वगैरह हैं, पीलर लाइटर ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जो तीसरा होल्डर है उसमें मैंने अपने मतलब 5-6 ग्लास को एक के अंदर एक डालकर कुछ इस तरीके से रख दिया है। और बस एक छोटा सा मैंने यहाँ पर प्लांट भी रख दिया है और इनमें प्लेट्स को भी अरेंज कर दिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और इन प्लेट्स के बीच में भी अभी बहुत सारी जगह है, मतलब इतना स्पेस है कि अभी आप इसमें इतनी ही प्लेट और रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका लुक, अभी ये सिर्फ ऊपर का ही प्लेटफॉर्म का है। और देखिए इसमें मैंने फिर यहाँ पर कुछ स्पाइसेस वगैरह भी, पहले आप इसका लुक देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने कुछ यहाँ पर इस तरीके से मतलब स्पून वगैरह का होल्डर रखा है और लाइटर वगैरह का होल्डर रखा है। और यहाँ पर लाइटर वगैरह ही मेरे रखे हुए हैं, जो कि मतलब गैस के पास होने भी चाहिए, क्योंकि फटाफट से हमें ये मिल जाते हैं, कहीं भी गुम नहीं होते हैं। और यहाँ पर मैंने ग्लास लिए हैं जिनको आप इस तरीके से निकाल कर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट्स वगैरह यूज़ की हैं, और आप में भी इसमें इतनी स्पेस और भी है कि आप और भी प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने स्पाइसेस वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह बची हुई थी, तो मैंने यहाँ पर अपने कुछ स्पाइसेस को रख दिया है। और यहाँ पर एक तरीके से हैंगर मैंने लगाया हुआ है, बेसिकली मैं यहाँ पर, मुझे बाद में याद आया कि मैं 2 हैंगर यहाँ लगा सकती थी, और बस उस पर मैंने यहाँ पर कुछ अपना विस्कर वगैरह हैंग किया हुआ है। और दूसरी साइड मैंने इसमें जो होल ऑलरेडी थे, जो विंग्स लगे होते हैं हमारे कूलर के विंग्स होते हैं, उनमें ही मैंने इस तरीके से कप को हैंग कर दिया है यहाँ पर। और देखिए इस तरीके से उन पर मैंने अपनी जो भी मतलब रोज़ के किचन के सामान होते हैं, छलनी है, स्पैचुला है, और मतलब ग्रेटर वगैरह है, इन सबको मैंने यहाँ पर इस तरीके से ब्रशेस वगैरह को यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये तो यहाँ तक का रेंज था। अब मैं आपको उसको पीछे का भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने स्पाइसेस को रखा हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ बॉक्सेस मैंने रखे हुए हैं। वैसे मैं इसमें और भी लगा सकती थी स्टैंड वगैरह, पर इतना ही बहुत है। और यहाँ पर देखिए एक मग भी मैंने लगा रखा है, और इस तरीके से मैंने इसको भर रखा है। और अब आपको मैं बताती हूँ कि इसका नीचे वाला सरफेस है, इसमें भी मैंने थोड़े बहुत आइटम रख दिए हैं। हाँ, उसका वीडियो नहीं ले पाई, बट आप अगर इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। और आप इसका पूरा लुक इस तरीके से है, आप देख सकते हैं इसका पूरा लुक, ये इस तरीके से मैंने, देखिए एक ही छोटे से ऑर्गेनाइज़र में कितना सारा सामान आ गया। अगर हम ठीक से किसी भी चीज़ में अरेंज करें तो बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह आ सकती हैं। तो बेसिकली इसको प्लेटफॉर्म पर तो मैं रखूँगी नहीं, अगर मैंने इसको मतलब किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया तो मैं इसको इस वॉल पर फिट कर दूँगी, इस मतलब नेल वगैरह लगा के हैंग कर दूँगी, क्योंकि इसके नीचे जस्ट मेरे सिंक है, तो जो कि अगर मैं गीले बर्तन वगैरह भी रखती हूँ तो उसका जो भी पानी वगैरह है वो नीचे ही गिरेगा। और देखिए वैसे तो ये काफ़ी मजबूत प्लास्टिक का बना हुआ है, बट इसमें जो मैंने यहाँ पर रैप किया हुआ है, ये मैंने कागज़ से रैप किया है। तो अगर मैंने इसको किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया तो मैं इसको रिप्लेस करूँगी, और इसको रिप्लेस मैं किस चीज़ से करूँगी अभी मैं आपको वीडियो में वो भी बताऊँगी, आप कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए चलिए मैं बता ही देती हूँ कि मैं अगर इसको मैंने किचन ऑर्गेनाइज़र बनाया तो मैं इस तरीके की पॉली रैप का यूज़ करूँगी। ये पॉली रैप मतलब बिल्कुल भी हार्म नहीं होती है, और इस पर मतलब कोई भी गीली चीज़ वगैरह गिर जाए तो ये मतलब ख़राब नहीं होती। आपके जो भी प्लेटर वगैरह प्लेटफॉर्म है, आपने अगर कार्डबोर्ड वगैरह यूज़ किया है तो उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देगी, क्योंकि ये कोई कागज़ की नहीं बनी हुई होती है, ये पॉली होती है और ये ईजी टू क्लीन होती है। कभी भी गंदी हो जाए तो आप इसको ईजी मतलब क्लीन भी अच्छे से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप गीले कपड़े से पोंछ कर इसको मतलब कोई भी दाग वगैरह हो और हटा सकते हैं। जैसे हम अपनी सेल्फ वगैरह साफ़ करते हैं वैसे ही आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये थे मेरे आज के 3 ऑर्गेनाइज़र, आई होप कि आपको अच्छे लगे हों। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।